एमपी में सभी 29 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद कांग्रेस में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, जिसके आधार पर चुनाव में भीतर घातियों पर कार्यवाही और अच्छा काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ छोड़ने वाले नेताओं पर पार्टी एक्शन मूड में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने बताया कि जिन दो विधायकों ने चुनाव के दौरान भाजपा ज्वाइन की है, उन्हें दल बदल के तहत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस पार्टी सारे तथ्यों के साथ विधानसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर आवेदन देगी। गौरतलब है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायक अमरवाड़ा से कमलेश शाह, विजयपुर से रामनिवास रावत और बीना से निर्मला सप्रे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसमें से कमलेश शाह ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा विधानसभा की तरफ से स्वीकार भी कर लिया गया है, जबकि निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत ने अभी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, जिस पर कांग्रेस कार्रवाई करने की बात कह रही है। मध्य प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं और खट्टे मीठे सारे अनुभव के साथ कांग्रेस पार्टी गुजरी है। जिन नौजवानों ने, नेताओं ने पूरी निष्ठा, शक्ति और क्षमताओं के साथ कांग्रेस पार्टी का काम किया है, उन्हें अच्छा स्थान मिलेगा पार्टी में, उनको सम्मान मिलेगा और जिसकी जो क्षमता होगी उसके अनुसार उनका एडजस्टमेंट भी होगा। दूसरी बात, इस चुनाव में जिन्होंने काम नहीं किया, जो घर बैठे रहे, जो शिथिल रहे, हमारी समीक्षा चल रही है, वो रिपोर्ट आने के बाद हम उस तरह का जो है सारे निर्णय लेंगे ताकि सही लोगों को सही स्थान पर रखा जा सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।